आज के लेक्चर में हम लोग जो क्लास 12 का फिजिक्स है उसमें तुमको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं किरचॉफ्स लॉ के पर बेस्ड जो हैं, किरचॉफ्स लॉ हैं तुमको व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, उसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि तुमको 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 ये तुम्हारा होगा जिसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो पहले देखते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल 3.6, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जांपल 3.6 फिजिक्स का तुम देखोगे, ये तुम्हारा है। तो इसमें है तुमको कि दिया हुआ है एक क्यूब है, क्यूब का प्रत्येक साइड में मान लेते हैं कि 1 ओम रेसिस्टेंस है। क्यूब के प्रत्येक साइड में 1 ओम रेसिस्टेंस है। क्यूब के क्यूब का जो एज है, प्रत्येक एज है, इसमें तुमको कितना है रेसिस्टेंस, इसमें जो है तुमको क्यूब के प्रत्येक साइड में 1 ओम रेसिस्टेंस है। और अगर दो अपोजिट कॉर्नर के बीच में, जैसे कि ये मान लेते हैं यहाँ पर 10 वोल्ट का अगर एक सेल अप्लाई कर दें, तो इसका कहता है कि ये जो दोनों पॉइंट है इसके अक्रॉस में आपका इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो रेसिस्टेंस सब तो 1 ओम है जो मैं शो कर रहा हूँ। ईच एज हैज 1 ओम रेसिस्टेंस, 1 ओम रेसिस्टेंस, एक एक ओम का सब में है, एक एक ओम का रेसिस्टेंस सब में है, इसमें इसमें सब में जो 12 एज हैं जितने सभी में है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और प्रत्येक में जो तुमको है, प्रत्येक एज में, मतलब प्रत्येक जो कि तुम्हारा जो साइड है इसका, प्रत्येक एज में इसका निकालना है कि करेंट क्या होगा, प्रत्येक एज में करेंट क्या होगा। ये 10 वोल्ट का बैटरी है। तो मान लेते हैं कि ये तुमको है इक्विवेलेंट भी निकालेंगे किस ढंग से, जब कहें किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से किस प्रकार हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं ये भी इसमें देखोगे। तो जो 10 वोल्ट ये पॉजिटिव बैटरी मान लेते हैं कि तुमको आई करेंट ये फ्लो किया, तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में इसको 3I माना गया है एग्जाम्पल में, तो खैर उसकी बात नहीं है क्योंकि उसमें तो हम लोग डायरेक्शन भी है, हम अपने एनसीईआरटी बुक से अलग लेते हैं। तो इसका चाहोगे तो इसका नाम भी लिख सकते हो, नाम मैं अपने ढंग से लिख देता हूँ, बुक से तुम्हारा डिफर भी होगा, ABC और यहाँ पर D लिख देते हैं इसका नाम, यहाँ पर E लिख देते हैं और फिर यहाँ पर F लिख लेते हैं और एक यहाँ पर हो गया EF, ABCDEF और इसका नाम भी देना होगा तुमको F, और यहाँ पर दे दो F, यहाँ पर G और यहाँ पर दे दो H। चलो खैर सबका पॉइंट का नाम हो गया। अब है तुमको कि अगर यहाँ से I करंट जा रहा है तो यहाँ पर 3 रास्ता आपको दिख रहा होगा, देखो तीनों इक्विवेलेंट है, एक इधर की ओर जा रहा है, एक इधर है और एक इधर है। तो अगर इससे आ रहा है, इन दोनों पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखें तो ये तीनों जो वे है, तीनों जो रास्ता तुम्हें दिख रहा है, ये तीनों रास्ता इक्विवेलेंट है। तो जाहिर है कि सब में इक्वल टाइप के रेसिस्टेंस है, सब में इक्वल आता है, तो जितना जो तीनों में जो करेंट जाएगा वो इक्वल जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें I/3 जाएगा, तो इसमें भी उस तर्क पर कितना जाएगा, I/3 जाएगा, तो इसमें भी कितना करंट जाएगा, ये I/3 करंट जाएगा। सिमिलरली I/3 करंट तुमको इधर आएगा, I/3 करंट इधर से निकलेगा, इस साइड से आएगा और I/3 करंट इधर से आएगा और टोटल करंट कितना निकल जाएगा, ये I निकल जाएगा। अब जहां तक कि बात रहा कि यहां पर अगर ये I/3 करंट आता है तो यहां पर ये दो पार्ट में बंटता है, फिर ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा I/6 और इधर भी कितना कर जाएगा करंट I/6, इक्वल बटेगा दो पार्ट में। सेम लॉजिक पे यहां भी तुमको करंट कितना हो जाएगा, ये I/6 हो जाएगा और इधर की ओर
आई बाय सिक्स में बटेगा, और यहां पर भी जो गया हुआ है यहां आई बाय थ्री आया, तो ये तुमको इधर आई बाय सिक्स इधर जाएगा और ये आई बाय सिक्स इधर जाएगा, और फिर यहां देखोगे तुमको ये ऐड होके चला जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको निकालना है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अगर हम यहां से यहां तक रीच करें, तो अगर ए और डी के बीच का इफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डी इक्वल्स टू वी वोल्ट, वी वोल्ट इज इक्वल टू 10 वोल्ट, तो ये जो वी वोल्ट है तुमको अगर यहां से यहां तक का कितना है वी वोल्ट है अगर, या तुमको यहां से ए से चलते हैं और डी तक जाते हैं, तो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ यूज करें, फिर फर्स्ट लॉ का यूज करके हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो ए से मान लेते हैं, तो रास्ता लिखते हैं हम लोग कौन सा, ए बी सी डी और तुमको नीचे से बैटरी होते हुए चले जाइए ए तक, ए बी सी डी ए तक। तो ए बी सी डी पाथ ए बी, तो यहां से चलिए तो ए बी में कितना हो जाएगा आई बाई थ्री करेंट है इंटू वन ओम रेसिस्टेंस। फिर क्या अगर तुमको बी से इधर आ जाइए तो आई बाई सिक्स करेंट है इंटू वन ओम रेसिस्टेंस, और प्लस यहां पे कितना करेंट है, प्लस आई बाई थ्री करेंट है इंटू वन ओम रेसिस्टेंस, और दैट्स इक्वल्स टू कितना है तुमको, ये तुमको वी वोल्ट, दैट्स इक्वल्स टू 10 वोल्ट। तो वी बाय आई जो होगा तुम्हारा, इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 1/6 + 1/3 + 1/6 + 1/3, तो 6 हो गया एलसीएम 2 + 1 + 2 = वी बाय आई, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/6 ओम। तो ये तुम्हारा यही हो गया, आर इक्विवेलेंट निकल गया तुम्हारा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था तो 5/6 ओम। और इसके अलावा कहता है प्रत्येक पार्ट में कितना करंट होगा, तो प्रत्येक साइड में ईच एज में, तो बैटरी का वोल्टेज भी है तो आई जो होगा तुम्हारा दैट इज इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट, वी बाय के तो आई जो निकला तुम्हारा 10 वोल्ट / 5/6 ओम, तो दैट्स इक्वल टू 6 ओम हो गया, 10 × 6/5 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 12 एम्पियर, ये हो गया आई का वैल्यू हो गया 12 एम्पियर हो गया। चलिए ये 12 एम्पियर का करंट इसमें जाएगा, तो 12 एम्पियर तो आई बाई थ्री जिस साइड में जा रहा है, तो आई बाई थ्री का मतलब हो गया 12 एम्पियर / 3 दैट इक्वल टू 4 एम्पियर, और आई बाई सिक्स का मतलब 12 एम्पियर / 6 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, तो ये तुमको ये सा करंट जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा ये सॉल्व हो गया। तो किस प्रकार से इक्विवेलेंट निकालना, इक्विवेलेंट निकालेंगे क्या कीजिए, जिस पॉइंट के बीच में निकालना है तो उसमें अगर वी वोल्ट नहीं भी बैटरी दिया तो उसके वी बैटरी से कोई मतलब नहीं, इसका पोटेंशियल कुछ भी आप पोटेंशियल डिफरेंस एज्यूम करें, और पहला पॉइंट से आई करंट दें, इधर से आई करंट निकालें, और बाकी जहां भी लूप है अगर सिमेट्रिक है, जैसे यहां पर डायगोनली तो ये तुमको तीनों लूप इक्वल था, लेकिन मान लेते अगर तुम इधर इन दोनों पॉइंट के बीच निकालना होता है ए सी के बीच में, तो उस स्थिति में ये दोनों पाथ तो सिमेट्रिक होता, बट ये पाथ सिमेट्रिक होता, इन दोनों में I1 लेते, लेकिन इसमें इसमें I-2 I1 लेना होता, तो इसके स्थिति में तुमको फर्क आ जाएगा, क्योंकि लेकिन इन दोनों पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब देखे तो ये तीनों सर क्या है, सेम है। तो तुम देखोगे ऐसे वहां बुक में तुमको सॉल्व भी किया हुआ है, तो उसमें तुमको इसके अक्रॉस में भी निकालने कहा गया, एक एज के अक्रॉस में भी निकालता है, तो उस स्थिति में भी तुमको देखना यह पड़ेगा कि किस कौन सा सिमेट्रिक है कि उसमें इक्वल है। ये सबसे आसान सिचुएशन था जिसमें कि तीनों साइड इक्वल पड़ गए, उसके बाद आगे भी गया तो ये दोनों भी इक्वल ही बटा, और फिर इधर से जितना जिस टाइप से इधर बटता है उधर इधर से लाने में भी उसी ढंग का यूज करते हैं, सिमेट्रिसिटी का यूज करके कम अननोन में हम चाहते हैं कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। और इस प्रकार से फिर किरचॉफ्स का लॉ मैंने जो बताया था कि करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते जाइए, और इस प्रकार से क्या हो गया यहाँ पर वोल्टेज भी ही मान लिए, और 10 वोल्ट का यहाँ पर जरूरत है था करंट निकालने में, इसकी जरूरत थी उसमें भी मान लेंगे, तो भी बटे जो जितना करंट आप सप्लाई करेंगे उसका इक्वल कर देंगे। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद देखते हैं 3.7 भी किरचॉफ्स लॉ पर ही बेस्ड है,
एग्जाम्पल 3.7 जो एग्जाम्पल है तुमका, उसमें भी तुमको कुछ एक दो सेल दिए गए हैं, एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिए हुए हैं 1 ओम, और एक 10 वोल्ट का सेल है और एक 5 वोल्ट का, और सर्किट दिया हुआ है तुमको, कुछ रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, और करंट का वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो जैसे कि हम लोग एज्यूम कर लेंगे उसमें करंट का वैल्यू को, और इस प्रकार से क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर सकते हैं। चलो तो देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3.7 एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.7 देखते हैं। इसमें है कि कुछ दिए हुए हैं, सर्किट है तुमको, जैसे कि ए पॉइंट से है, यहां पर एक 4 ओम का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, और यहां पर आ गया बी पॉइंट आ गया, यहां पर एक 2 ओम का रेसिस्टेंस यहां पर दिया हुआ है, और यहां पर सी आ जाएगा, और यहां पर 10 वोल्ट का एक बैटरी है, और यहां पर पॉइंट सी है तुम्हारा, ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट और ये 1 ओम का रेसिस्टेंस है, और ये सी आ गया। फिर यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इधर चला गया और ये डी आ गया तुम्हारा, ये डी हो गया, और इन दोनों के बीच में एक बैटरी दिया हुआ है जो कि 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का बैटरी है जो कि तुम्हें इधर से कनेक्ट किया हुआ है। चलो तो इसको ई कह दो पॉइंट को, ये तुमको 5 वोल्ट का बैटरी है। तो ये मान लेते हैं कि अगर ये जो तुम्हारा सेल है ये I1 करंट देता है, और ये कितना करंट दे रहा है तुमको, I1 करंट दे रहा है इधर से, और ये जो तुमको है इधर से मान लेते हैं कुछ करंट, इधर से मान लेते हैं I1 करंट ये सेल दे रहा है, और इधर की ओर कुछ बटा होगा और कुछ इस साइड होके जाएगा, और इधर की तरफ मान लेते हैं करंट तुमको, तो सब सर्किट मुझे तो याद नहीं है कि तुम्हारे की बुक में कैसे लिखा हुआ है करंट, तो जो भी करंट को कुछ एज्यूम कर लेते हैं वो सर्किट उसके मुताबिक लिख देंगे। तो इसमें तुमको मान लेते हैं करंट इसमें I2 जा रहा है, तो इधर की ओर कितना करंट जाएगा, I1 माइनस I2 जाएगा, I1 माइनस I2 जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, और यहाँ पर जो तुमको करंट गया क्या चीज़ तुम्हारा गया, I1 करंट इधर से आया, और इधर से मान लेते हैं एक और अननोन हमको लेना पड़ेगा, I3 करंट इधर से आ रहा है, तो I3 तो इधर से तुमको I2 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इधर से I3 आ रहा है, इधर से I2 करंट आ रहा है, इधर से I3 आ रहा है, तो ये जो बीच वाला जो 2 ओम का रेसिस्टेंस है इसमें कितना करंट जाएगा, I2 प्लस I3 जाएगा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा आपको, I2 इस जंक्शन पे C पॉइंट पे आए तो C पॉइंट पे I2 प्लस I3 आ रहा है, इधर से I1 जा रहा है, तो इधर की ओर जो बचता है ये जो 2 ओम नीचे वाला रेजिस्टेंस है इसके लिए बचेगा I2 प्लस I3 माइनस I1, ये इधर से आया I2 प्लस I3 माइनस I1, और इधर से कितना आ रहा है तुमको I1 माइनस I2, तो इधर से तुमको बच जाना चाहिए I3 बच जाना चाहिए, हाँ तो इधर से तुमको I3 आ जाएगा करंट, और इस तरह से जितना बैटरी पॉजिटिव से निकलता है उतना निगेटिव से आना चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का होगा। अब इसमें जो है तुमको क्लोज तीन अननोन है हमारे, I1 I2 और I3, तो इन तीनों अननोन का वैल्यू निकालने के लिए हमको तीन क्लोज लूप का यूज करना होगा, जैसे कि एक क्लोज लूप हम लिखते हैं A B C A, ऐसा लिख दीजिए, इन क्लोज लूप A B C A, अप्लाइंग किरचॉफ लूप लॉ, तो लूप लॉ को इसमें अप्लाई करते हैं। चलिए तो अप्लाई कर दीजिए, तो क्या बताया था, करंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव मानते हैं, और बैटरी के नेगेटिव से अगर प्रवेश करेंगे तो हम लोग नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव से तो पॉजिटिव, तो इसी कन्वेंशन को ओवे करते हुए चलते हैं। तो बैटरी यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें कितना करंट जा रहा है I2, तो 4 गुना क्या होगा तुमको I2 लिख देंगे इसको,
सिंप्लीफाई तुम अपना करोगे और प्लस इधर की तरफ कितना करंट जा रहा है, दो ओम में यहां पर आ गए, ए से बी पहुंच गए, बी से सी में आइए, तो यहां पे दो ओम रेसिस्टेंस है, इसमें करंट है आई टू प्लस आई थ्री, करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, टू इंटू क्या हो गया आई टू प्लस आई थ्री, और एक तुमको क्या इधर की तरफ आएंगे तो माइनस आई वन हो जाएगा, करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनफैक्ट करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस आई वन हो जाएगा, हाँ I1 इधर 1 into I1, इनफैक्ट I1 into 1 कहना चाह रहे हैं, और माइनस ये 10 वोल्ट का बैटरी है, माइनस 10 वोल्ट, 10 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन एक हो गया, इसको अब जो है तुमको सिंप्लीफाई कर लोगे तो हम छोड़ दे रहे हैं इसको, एक इक्वेशन तीनों इक्वेशन में लिख देता हूं, तो यू हैव टू सॉल्व, अपने से तुम्हें सॉल्व करना होगा, तो मैं सॉल्व करने के लिए छोड़ दे रहा हूं, मैं तीन इक्वेशन लिख देता हूं, किच ऑफ लगा इसको फिर से देख लो, तुमको करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव लिखा गया है तो 4 into क्या लिया गया है तुमको, ये तुमको I1 इसमें I2 इसमें करंट है, तो 4 इंटू क्या हो गया आई टू, फिर तुमको बी से सी में यहां पर करंट है आई टू प्लस आई थ्री प्लस टू इंटू आई टू प्लस थ्री, और यहां भी करंट के डायरेक्शन में जाए तो 1 इंटू आई वन, और बैटरी के निगेटिव से गए तो माइनस 10, इसी तरह से अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, तुमको दूसरा कोई लूप ले लो, अप्लाइंग केवीएल भाई कहते किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल इन क्लोज लूप, क्लोज लूप कौन सा ले लो, चलो यहां से ले लो ए डी सी ए डी, ऐसा ले लो ए डी सी ए, यानी तो ए उसके बाद सी चल जाओ, ए सी डी ए, चलो इसी में ले लो, हाँ ए से सी चले जाओ, तो ए से सी आ गया तो पहले तुमको पॉजिटिव लो बैटरी आया तो 10 वोल्ट इसको लिख दीजिए, और करंट के विपरीत जा रहा है तो माइनस आई वन इंटू वन लिख दीजिए, यहां से ए से सी पहुंच गए, अब सी से आना है डी की तरफ, सी से डी की तरफ आएंगे तो हमारे पास जो है दो ओम रेसिस्टेंस है, उसमें करंट कितना है देख लीजिए, आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई वन, और नीचे तो कुछ है नहीं यहां पर, तो जेट इज इक्वल टू जीरो हो गया, ये दूसरा हो गया, ये दो इक्वेशन हो गए, एक और इक्वेशन मैं लिख देता हूं, बाद में तुम इसे सॉल्व करोगे, एक इक्वेशन लिख लो तुमको यहां से, चलो यहां पर घूम के आ जाओ इस लूप में, तो के भी अप्लाई के भी एल की चौ वोल्टेज लाओ, जो वोल्टेज लॉ इन बी ई डी सी और बी, चलिए यहां पर अप्लाई कर दीजिए, बस तुम्हारा लास्ट ही है ही, और इक्वेशन हो जाएगा, तो बी से अगर चले बी से ई की तरफ गए, बी से ई की तरफ गए तो 5 वोल्ट का तुम्हें बैटरी मिला, तो प्लस 5 लिख दीजिए, प्लस टर्मिनल से आए, और फिर यहां पर तो कुछ है नहीं, यहां पर आ गए आप डी तक आ गए, यहां पर बी ई डी तक पहुंच गए, अब डी से जाना है हमको सी के तरफ, तो यहां करंट के अपोजिट जाएंगे तो माइनस साइन हम लिखेंगे 2, और करंट कितना है मेरा आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई वन, फिर ऊपर भी जाएंगे सी से जब बी जाएंगे तो वहां भी हम करंट के अपोजिट ही जा रहे हैं, तो 2 इंटू क्या हो गया आई टू प्लस आई थ्री दैट्स इक्वल्स टू 0, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तीन लूप में सॉल्व फॉर सॉल्व एंड गेट I1, I2 एंड I3, ये तीनों को क्या कर लीजिए प्राप्त कर लीजिए, ये I1, I2 एंड I3 इसको प्राप्त कर लीजिए, तो ये तुम्हारा क्या हो गया इसका वैल्यू निकल गया, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हो, फिर से इस बात को देखो सर्किट में लिखने के लिए, करंट जब भी देखो बैटरी के जनरली पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की ओर निकलता है, करंट बैटरी के अंदर निगेटिव से प्रवेश करता है, इसी बात का दोनों जगह पर ख्याल रखा गया है, और अगर कहीं चार्जिंग होता तो अगर कोई निगेटिव आ जाता है डायरेक्शन, अगर आई थ्री का वैल्यू मानते हैं कि माइनस वन आ गया, तो इसका मतलब है कि आपने जो डायरेक्शन माना है उसको उल्टा माना है, उसे कोई दिक्कत नहीं होता, वो बाद में अपने आप वैल्यू करेक्ट कर लेता है, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको माने, तो जैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन पहला जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाए, यहां से करंट आई वन गया, इधर आई टू डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर आई वन माइनस आई टू आ गया, इधर की तरफ आई टू इधर की तरफ गया, तो यहां पर आई टू आ रहा, इधर से आई थ्री करंट हमने इसके निगेटिव से ले, तो इस तरह से आई टू प्लस आई थ्री गया, और इधर से आई टू प्लस आई थ्री आ रहा है, इधर से आई वन जा रहा है, तो इधर से आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई वन आया, और यहां से ये दोनों कंबाइन होकर इधर से निकला, तो इस तरह से क्या हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब वोल्टेज लॉ लिखने के लिए हमने एक सर्किट इधर लिया, करंट के डायरेक्शन पॉजिटिव लिखिए, बैटरी के न्यूट्रल माइनस, बैटरी के पॉजिटिव चलिए तो प्लस, और तीन क्लोज लूप हमने बना लिया, और उसमें इक्वेशन का यूज करके इसका वैल्यू फिर फाइंड आउट करके इक्वेशन सॉल्व करके उसका वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.7। अब तुमको एक व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज में तुमको, लेकिन जो 3.8 है तुम्हारा,
उसमें लेकिन एक है कि जैसे कि हम लोग जो पढ़े थे, जो कंडीशन पढ़े थे फ्यूटिशन बीज में बैलेंस के लिए, देखते हैं उसका पूर्ति होता है उसमें रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है या नहीं। अकॉर्डिंगली अगर नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर से होकर करंट जाएगा। तो लिखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.8। चलिए इसमें चार तुमको क्या दिया गया है, चार रेसिस्टेंस दिए हुए हैं यहाँ पर। चलो पहले चारों रेसिस्टेंस देख लो, उसके बाद उसका वैल्यू दे देते हैं। चलो यहाँ पर हो गया, और इसके बीच में भी एक रेसिस्टेंस है, एक गैल्वेनोमीटर है इनफैक्ट, और गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है। ये 5 ओम है, ये 60 ओम है, ये 100 ओम है, और ये 10 ओम है, और ये इसमें जो है इसका गैल्वेनोमीटर का ये है 15 ओम का रेसिस्टेंस है, और इन दोनों के बीच में एक 10 वोल्ट का बैटरी ऐड किया हुआ है। तो ये कहता है कि गैल्वेनोमीटर से होके कितना करंट जाएगा, दैट्स इक्वल्स टू, इसको आईजी मान लेते हैं, इसको आईजी इक्वल्स टू व्हाट, मतलब गैल्वेनोमीटर से होके कितना करंट जाएगा। तो देखो किरचॉफ्स का जो 10 वोल्ट है यहाँ पर, तो किरचॉफ्स का जो कि हम लोग को रूल है जहाँ तक कि बैलेंस है कि नहीं ये पहले चेक कर लेते हैं। अगर बैलेंस होगा तो हमको क्या जाएगा, तो हमने पढ़ा था R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 जो था, देन आई जी बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या इसको चेक कर लेते हैं, तो ऐसा है क्या, तो इफ ऐसा होता तो 100 by 10 और इधर है 60 by 5 इज नॉट इक्वल टू, इसलिए करंट 0 नहीं होगा। इसमें कंडीशन ओबे नहीं हुआ, इसमें करंट 0 नहीं होगा, इसलिए आई जी का वैल्यू 0 नहीं होगा, इतना पता चल गया। तो चलिए, तो नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट का हमको किरचॉफ्स का लॉ है उससे करंट डिसीजन कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए यहां पर क्या हो गया, अब इससे करंट आई दीजिए, इसको दे दीजिए, जैसा कि हम लोगों ने जो कि थ्योरी में फ्यूटेशन ब्रिज में एज्यूम किया था करंट, उसी टाइप से एज्यूम कर लीजिए। मान लो इसमें कितना करंट चला गया, I1 चला गया, तो बाकी जो बचा हुआ करंट किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ I-I1। चलिए, और यहाँ पर IG करंट इधर निकल गया, जरा I1 आया, तो इधर से अब I1 नहीं जा करके इधर कितना जाएगा, I1-IG करंट जाएगा, बिल्कुल सही। और इधर IG आ रहा है, तो ये जो तुम्हारा इस पॉइंट पर नाम भी पॉइंट का देना पड़ेगा हमें, ए नाम लिख लेते हैं इसका, ए बी इसका हो गया, सी और इधर लिख लो डी पॉइंट लिख लो इसको, और इधर की तरफ ई पॉइंट कुछ नाम दे दीजिए। चलिए, अब यहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पर जो करंट गया कितना होगा तुम्हें, ये तुम्हारा I1-IG गया। अब डी पॉइंट पर यहाँ पर आ जाते हैं, तो इधर की तरफ कितना करंट आ रहा है, डी पॉइंट पर इधर की तरफ आ रहा है I-I1, इधर से IG आ रहा है, तो इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा I-I1 और प्लस IG, दोनों ऐड हो जाएगा, इधर से I-I1 इधर से IG, ये दोनों ऐड होकर, और टोटल करंट इधर से क्या हो जाएगा, इधर से निकल जाएगा, टोटल करंट इधर से निकल जाएगा। और कितना वैल्यू होगा इसका, इसका वैल्यू होगा करंट का, इधर से फाइंड आउट दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो इधर से करंट का वैल्यू हमको I1 निकल जाएगा, इधर से करंट I निकल जाएगा। तो चलिए, इधर से करंट I आ जाएगा। अब हम लोग अननोन IG देना है, 3 अननोन है इनफैक्ट हमारे पास अभी भी, I, I1 और IG, तो इसके लिए 3 सर्किट हमको लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी लिखते हैं ABDA, अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL इन ABDA। चलिए, तो आई होप कि आप आसानी से लिख दोगे, तो मैं लिख रहा हूँ इसे, तो करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, तो 100 इंटू कितना हो गया, 100 इंटू I1, इसमें करंट एज्यूम किया गया है, और इसमें तुमको कितना इधर से आ गया, 15 इंटू IG करंट उसी डायरेक्शन था, और अब हम चल रहे हैं करंट के विपरीत चल रहे हैं, तो इसको माइनस लिख देंगे, -60 इंटू I-I1 इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन, मैं इक्वेशन लिखता हूँ, यू हैव टू सॉल्व नाउ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अप्लाई KVL इन बी से, चलो BCDB, चलिए क्लोज लूप, तो क्लोज लूप में बी से सी चलेंगे, तो क्या होगा, करंट डायरेक्शन में पॉजिटिव, करंट का डायरेक्शन में पॉजिटिव, दैट इज कितना है तुमको 10 ओम, I इंटू करंट है I1 माइनस
आई वन माइनस आई जी, वेरी गुड, ये तुम्हारा हो गया। अब है तुमको ए भी बी से कहाँ हो गया, सी हो गया, और सी से कहाँ आ जाइए, डी आ जाइए, सी से डी आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस फाइव इंटू करेंट कितना हो गया आई माइनस आई वन प्लस आई जी, ये करंट हो गया। अब ऊपर जाना है हमको, तो उसमें 15 का है तो माइनस 15 इंटू आई जी, विपरीत जा रहे हैं जीरो। एक ले लेते हैं इधर के पास से, लिख लेते हैं क्लोज लूप, इधर से लीजिए बी सी ई ए बी, ऐसा लिख लीजिए, तो क्लोज लूप, इन क्लोज लूप बी सी ई ए बी, इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं, बी से सी आए, बी से कहाँ आ जाते हैं हम लोग, सी आते हैं, तो बी से सी आएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी से सी में कितना ओम रेसिस्टेंस है हमारा, 10 ओम रेसिस्टेंस, और करंट कितना है आई वन माइनस आई जी, दैट्स ऑल। अब फिर नीचे चले गए तो हमको एक 10 वोल्ट का बैटरी मिलेगा, तो माइनस 10 वोल्ट लिख दीजिए इसको, निगेटिव से प्रवेश कर रहे हैं तो 10 वोल्ट। अब इधर की तरफ चले जाइए और यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, प्लस 100 इंटू आई वन इक्वल्स टू जीरो। ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व, द इक्वेशन एंड गेट आई जी, इसका वैल्यू निकालिए, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। तो चलो, तो ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या करना है तुमको, क्रिचॉफ का, मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है, करंट का फर्स्ट लॉ दो, ये जो किस ढंग से क्रिचॉफ लॉ लागू करते हैं पिछले में भी किए, करंट का रिएक्शन पॉजिटिव लेते हैं और करंट इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर जंक्शन पर जितना आने वाला करंट है उतना जाने वाला करंट होना चाहिए। और पहले इसमें एक चेक कर लेते हैं कि R1 बाय R2 इक्वल टू, अगर R3 बाय R4 हो जाता जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में दिखाए थे तो बीच से में करंट नहीं जाता, लेकिन यहां नहीं था इसलिए 15 ओम का जो गैल्वेनोमीटर था उसमें करंट जा रहा है, तो आई जी का वैल्यू जीरो नहीं आएगा आंसर। चलिए, तो अब है एक है तुमको मीटर ब्रिज प्रवेश था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.9, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.9, ये कहता है कि मीटर ब्रिज में दो रेसिस्टेंस, दो अननोन रेसिस्टेंस होते हैं, आर और एस है, एक आर है रेसिस्टेंस और एक रेसिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पर एस है, और इसके साथ तुमको क्या किया गया आर और एस, तो शुरुआत में जब एक्सपेरिमेंट किया गया इसको मीटर ब्रिज का, तो यहाँ से क्या हो गया तुमको एक गैल्वेनोमीटर यहाँ ज्वाइन किया, तो यह देखा कि इसमें जो कि इसका जो वैल्यू आया तुम्हारा, ये L इज इक्वल टू आ गया 33.7 शायद जहाँ तक है 33.7 सेंटीमीटर पे आ गया ये बैलेंस, ये 33.7 सेंटीमीटर पे आ गया बैलेंस। तो इधर आ गया, इधर कितना हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा 100 माइनस 33.7, तो ये हो जाएगा 66.3 सेंटीमीटर सर, 100 माइनस 33.7, तो 66.3 सेंटीमीटर इधर का हो गया। तो ये तुमको हो गया, अगर ये बैलेंस है तो व्हीटस्टोन ब्रिज, जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लिखेंगे तो उसमें क्या जाएगा, तो R बाय S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 33.7 बाय 66.3, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड केस में क्या कहता है, इसके पैरेलल में जैसे उसको भी फिगर बना ही देते हैं, समझने में आसानी होगी और उसके बाद तो तुम इक्वेशन अपना सॉल्व कर लोगे। ये R है, एक S है, इसके पैरेलल में 12 ओम का एक रेसिस्टेंस जोड़ के एक्सपेरिमेंट किया गया, आर एस का वैल्यू दोनों अननोन है इसमें, तो दोनों अननोन है तो जाहिर है कि हमको दो बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, तो इस स्थिति में जबकि ऐसा कर दिया गया तो ये जो डिफ्लेक्शन पॉइंट आया, डिफ्लेक्शन जो पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट जहां पर है ये तुमको गैल्वेनोमीटर का, ये 51.9 सेंटीमीटर इधर आया, इधर हो जाएगा 100 माइनस 51.9 दैट्स इक्वल्स टू कितना हो गया
48.1 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा। तो इधर जो कि आर एस के पैरेलल में 12 ओम का रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट इसका लिख लेते हैं, आर इक्विवेलेंट ऑफ 12 ओम एंड एस इज इक्वल टू 12 इंटू एस आर वन इंटू आर टू बाय आर वन प्लस आर टू, ये हो गया। तो जहां पर कि हम लोग इस क्वेश्चन में जो लिखते हैं R बाय S जो लिखते हैं, तो इसमें R बाय S की जगह ये वाला लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं, तो R बाय 12 S इंटू कितना हो गया 12 प्लस S, तो ऊपर चला जाएगा, दैट्स इक्वल टू 51.9 बाय 48.1, ये इक्वेशन टू। तो वन में जब हम टू से डिवाइड करेंगे, या टू में वन से कर दो, टू में वन से कर दो, टू बाय वन कर दो, टू बाय वन कर दो, तो आर बाय एस तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वेल्व क्या बच जाएगा, ट्वेल्व प्लस एस बाय ट्वेल्व बच जाएगा इधर की तरफ, तो आर बाय एस ट्वेल्व प्लस एस बाय ट्वेल्व एस ऐसा बचेगा, 12 प्लस एस बाय ट्वेल्व एस दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको है? बचाओ सेकेंड बाय, तो ये तुमको 51.9 बाय 51.9 बाय 48.1 इंटू, और इसके बाद क्या होगा तुमको 33.7 और बाय तुम्हारा क्या हो गया 33.7 बाय 67.3, तो 67.3 चला जाएगा ऊपर, 66.3 बाय 33.7, ये तुमको इक्वेशन हो गया। तो इसको सॉल्व करके S का वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट S इज इक्वल टू व्हाट, देन कैलकुलेट R, तो जो भी होगा किताब में तुम सॉल्व भी किया हुआ होगा, आंसर देख सकते हो और आई थिंक इसको प्राप्त कर सकते हो आसानी से। ये तुम्हारा था 3.9। अब है तुमको इसके बाद एक और क्वेश्चन है तुमको, एक जो कि ये तुमको ये मीटर ब्रिज पर बेस्ड था, तो मीटर ब्रिज में दो बार एक्सपेरिमेंट इसलिए करना पड़ा चूंकि इसमें से जनरली मीटर ब्रिज में क्या था, एक अननोन रेसिस्टेंस होता और एक नोन रेसिस्टेंस हम लोग रखते थे, और इसलिए मीटर ब्रिज में एक अननोन रेसिस्टेंस होता था और एक नोन रेसिस्टेंस होता था, तो उसके आधार पर क्या होता था तुम्हारा, उसको हम लोग क्या करते कैलकुलेट कर लेते थे एक ही बार में, लेकिन यहां पे था कि दोनों R और S दोनों को अननोन कर दे, तो उसके लिए 12 ओम का पैरेलल लगा के एक और इक्वेशन बनाएगा, दो बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ा हमें। तो अब है तुमको जो कि पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है तुमको दिया, पोटेंशियोमीटर जो वायर है, तो पोटेंशियोमीटर में भी एक स्ट्रेच वायर ही होता है, तो उसमें भी तुमको दिया गया है यहां पर, तो पोटेंशियोमीटर वायर का यहाँ रेजिस्टेंस आर नॉट लिया गया है, और मिडिल से एक तुमको उस तार के मिडिल से क्या किया गया, एक रेसिस्टेंस जोड़ दिया गया आर को, तो गैल्वेनोमीटर से हो करके देखो लिख देते हैं एनसीआरटी एग्जाम्पल 3.10, ये पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड है, तो एक भी वोल्ट का तुमको यहां पर ऐसे, चलो पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये वोल्ट दो पॉइंट दिया हुआ है, चलो किताब में तुम्हारा, और एक ये जो तुम्हारा है एक वायर जो है इसका रेसिस्टेंस है, तो वायर का रेसिस्टेंस को थोड़ा सा बड़ा करके यहीं पर रेसिस्टेंस दिखा दो, वायर का ही रेसिस्टेंस हो गया ये, तो ये तुमको ये वायर का रेसिस्टेंस हो गया, और इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस यहां पर आर दे दो और इसके मिडिल पॉइंट से इसको जो कनेक्ट कर दो, इसके मिडिल पॉइंट से, तो इधर का रेसिस्टेंस आर नॉट बाय टू हो गया, आधा इधर तार बट गया, आधा इस साइड बट गया, तो इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इक्वल्स टू व्हाट, तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है किरचॉफ्स लॉ का, इसमें तो कुछ है नहीं, मान लेते हैं इसमें करंट अगर इधर बैटरी से करंट आई चला, अगर इससे करंट आई चला और इधर की तरफ करंट चला गया, मान लेते हैं आई वन चला गया, इधर की तरफ करंट कितना गया आई वन गया, तो इधर से कितना करंट चला गया होगा आई माइनस आई वन गया होगा, और यहां पर से ये जुट करके फिर करंट कितना हो गया होगा यहां पर आई हो गया, और इस तरह से क्या होगा तुम्हें ये तुम्हारा लूप हो गया, तो इसमें जाहिर है कि दो अननोन हो गया तुमको करंट में
और यहां पर अगर I1 का वैल्यू निकालें तो I1 into R हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें एक लूप ये वाला ले लेते हैं, नाम तो नहीं भी देंगे चल जाएगा तुम्हें, अब तो समझ में आ जाएगा। एक चलिए यहां से कह लीजिए, यहां से दिस, यहां से घूम के यहां पर लिख लीजिए। चलो अब तो समझ में आता ही होगा, मैं जल्दी में यही लिख देता हूं। I1 into R जो कि यहां से लेके यहां तक का PD हो गया, फिर यहां से इसमें मूव कर जाते इक्वल टू जीरो कर देंगे। I1 into R माइनस I माइनस I1 into R नॉट बाय 2 बराबर जीरो, ये तुम्हारा हो गया एक इक्वेशन। दूसरा बस इक्वेशन एक हो गया तुमको, तो I1 into R I1 R माइनस तुमको एक इससे क्या निकल जाएगा, जिससे तुमको एक इक्वेशन तुमको इसको बना लोगे, एक और इक्वेशन लिख देते हैं उसको सॉल्व करो आंसर प्राप्त करो, क्या उसमें लिखना क्या है। और दूसरा इक्वेशन यहां से इस पूरे लूप में लिख लो सेकेंड इक्वेशन, चलो सॉल्व कर लेगा आसानी से, क्या दिक्कत है इसमें। आई वन वैल्यू निकालो और उसको फाइंड आउट करो। तो इसमें तुम्हारा दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, छोड़ देते हैं इसको, इस यहां से सर्किट स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखोगे इसमें, कितना करंट जा रहा है, तो करंट इसमें जा रहा है तुमको आई वन, तो आई वन इंटू आर नॉट बाय टू प्लस आधा में जा रहा है आई करंट जा रहा है आई इंटू आर नॉट बाय टू माइनस वी इक्वल्स टू जीरो। आई वन इंटू तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, इससे सॉल्व फॉर आई वन एंड वी वन एंड वोल्टेज अक्रॉस आर इक्वल्स टू आई वन इंटू आर आंसर, ये इसको सॉल्व करो आंसर प्राप्त करो। तो तुम्हारा आई थिंक मैंने जो समझाने का जो काम था वो मैंने कर दिया, बाकी जो स्टूडेंट का वर्क है वो तुम अपना करोगे, इसको सॉल्व करके इक्वेशन सॉल्व करके आई वन कैलकुलेट करो, इसको इसमें पुट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने जितने भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे उसको मैंने बनाने का हिंट दे दिए, और तुमको इसी के साथ इसका जो तुम्हारा था एनसीईआरटी बुक का जो लेक्चर भी तुम्हारा जो सब सारा अपलोड हो गया तुम्हारा, और जो भी तुमको क्वेश्चन और भी तुम ऐसे रोम बुक है या एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज बनाओगे, जहाँ से भी क्वेश्चन तुमको दिक्कत हो रही है अगर किसी क्वेश्चन में, राष्ट्रीय ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो, और जो भी मेंटर के रूप में तुम हमसे मदद भी ले सकते हो, कभी भी अपना पर्सनल भी जो तुम्हारा दिक्कत होता है कोई भी चीज़ सॉल्व करने में, तो उससे तुम हमारा मदद भी ले सकते हो, जिसमें कि तुम्हारा सॉल्व भी होगा, और तुमको इसमें तुमको बोर्ड के एग्जाम के लिए तुमको नोट्स भी ऐप पर मिल जाएंगे, जेई मेन्स जे एडवांस इन सब की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए तुमको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, यू कैन गो एंड वॉच द राइफल ऐप, और जिससे कि तुमको जाहिर है कि जे एडवांस हो जे मेन्स हो इन सबों में तुम अच्छा कर सकते हो, नीट के एग्जाम भी देना चाहते हो तो उसमें भी तुमको कर सकते हो, जहां भी तुमको दिक्कत होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी सब्जेक्ट में टॉपिक में दिक्कत होता है तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।